दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनसाइड आउट के ऊपर। आज हम माइक्रोवेव का ट्रांसफार्मर टेस्ट करने वाले हैं, तो देखेंगे ट्रांसफार्मर की जो रीडिंग है वो कैसे आनी चाहिए। अगर वो ओके होगा, अगर वो कोई शॉर्ट सर्किट हो या ख़राब हो तो उसकी रीडिंग कैसे शो करेगी हमें, तो वो हम आज चेक करेंगे इस ट्रांसफार्मर की कि ये ठीक है कि नहीं। चलो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती है जिसमें इनपुट सप्लाई दी जाती है। इसमें इनपुट सप्लाई यहाँ से आ रही है 230 वोल्ट जो है, वो ये है दो टर्मिनल इसके, आप देख पा रहे हैं ये वाले, ये जो दो टर्मिनल है इसके, ये हैं इसकी इनपुट सप्लाई के, जिसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक मैग्नेट्रॉन है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसकी वजह से ये हाई वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है और यहाँ पे मैग्नेट्रॉन जो है वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग है और ये जो प्राइमरी है इसकी, इसमें जो वायर है वो काफ़ी मोटी होती है, जिसका साइज कम गेज की होती है जो, और इसका साइज काफ़ी मोटा होता है। और जो सेकेंडरी वायर है वो स्टेप अप होने की वजह से उसका साइज जो है थोड़ा बारीक होता है, जहाँ हाई गेज की होती है वायर। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, जहाँ पे स्टेप अप होगा वहाँ पे इनपुट में जो टर्ने हैं वो कम होगी और आउटपुट में जैसे सेकेंडरी में टर्ने ज़्यादा होंगी। तो ये जो है पहले इनपुट है इसकी और ये इसकी आउटपुट है जो मैग्नेट्रॉन में लगती है। और उसके अलावा एक ये टर्मिनल है जो कैपेसिटर में जाता है और ये वाला टर्मिनल कैपेसिटर के थ्रू आउटपुट में आता है, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है, जो 2100 वोल्ट के ऊपर काम करता है एसी, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो कभी भी अगर आप इसको चेक करें, हमेशा सप्लाई से डिस्कनेक्ट करें और इसको डिस्चार्ज करें पहले शॉर्ट करके कैपेसिटर को, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे, इसको पहले शॉर्ट कर लें फिर ही इसमें टच करें, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी और ये चार्ज रह गया तो 2100 वोल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आपको डायरेक्टली 2100 वोल्ट का शॉक लगता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज़ इसको पहले डिस्चार्ज कर लें, फिर ये आगे के स्टेप जो है उनको आप फॉलो करें। इनपुट से भी सप्लाई हटा दें और मेन कोड है उसको भी निकाल दें। ट्रांसफार्मर को आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इजीली स्पेस अवेलेबल है, आप चेक कर लोगे। चलिए जल्दी से इसकी अब टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है, जहाँ आप लो ओम डिस्टेंस के ऊपर भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट कर रहा हूँ इसको। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद ये जो टू लीड्स हैं माइक्रोवेव के ट्रांसफार्मर की, वहाँ पे दोनों लीड हमने अपने मीटर की लगा देनी है, तो यहाँ पे आपको रीडिंग आएगी। जैसे यहाँ पे ये बीप साउंड कर रहा है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस शो नहीं हो रही, 1 ओम नज़र आ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस देखने के लिए हम यहाँ पे 200 के ऊपर सेट कर लेते हैं वैल्यू। तो चलिए अब देखते हैं कितनी ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है। ये देखिए यहाँ पे प्रॉक्स 3 ओम के करीब है रेजिस्टेंस इसकी, ट्रांसफार्मर की इनपुट की 3 ओम इसकी इनपुट में आपकी आ रही है रेजिस्टेंस। इट मीन्स ये शॉर्ट नहीं है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू रेजिस्टेंस की आ रही है, तो उसको हम ठीक मान सकते हैं। और एक टेस्ट अब हम सेकेंडरी के ऊपर कर लेते हैं। सेकेंडरी में ये जो दो टर्मिनल है इनके ऊपर हमें सप्लाई मिलनी चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना होगा। तो सेम इसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 0.3 ओम शो कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको कंटिन्यूटी पे टेस्ट करूँगा इसका, तो यहाँ पे जो है बीप साउंड करेगा। तो अगर ये बीप साउंड करे तो इट मीन्स ये ओपन सर्किट नहीं है, ये शॉर्ट मतलब ख़राब नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बीप साउंड आ रही है, इट मीन्स ये भी वर्किंग कंडीशन में है। और ये जो थर्ड लीड है इसकी, ये इस कैपेसिटर में जाने के बाद आउटपुट में ये हमें यहाँ पे जो है हाई कैपेसिटेंस के थ्रू हमें वोल्टेज मिलती है। तो ये लीड जो है हमें इसको भी चेक कर सकते हैं, ये जो टर्मिनल है इसका, हम इसके थ्रू इन बिटवीन इन दोनों के बीच चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो रीडिंग नहीं आएगी, इसका कारण ये है कि ये काफ़ी हाई वोल्टेज है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। 20 किलो ओम के ऊपर हम इसको सेट करते हैं और अब देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है 11.3 समथिंग, मतलब 11.5 किलो ओम के करीब है इसकी रीडिंग। तो इट मीन्स ये भी ओके है। तो थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है शॉर्ट सर्किट, उसको भी आपने कर लेना है परफॉर्म। इनपुट के ऊपर भी आप कर सकते हो, इनपुट सप्लाई जो है प्राइमरी जो है उसके ऊपर भी। पहले एक प्रॉब को हम लगाएंगे यहाँ पे, एक किसी भी इनपुट की सप्लाई के ऊपर, दोनों में से किसी में भी एक में लगा सकते हो आप।
उसके बाद हम ट्रांसफार्मर की बॉडी के ऊपर लगाना है। ये देखिए बॉडी इसके ऊपर वार्निश होती है, इसको पहले आप अच्छी तरह रिमूव कर लें। मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस बनाई हुई है तो मैं वहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब कोई रीडिंग नहीं आ रही, एक में नहीं आ रही तो दूसरे में भी नहीं आएगी, लेकिन आप फिर भी चेक कर लो, नहीं आएगी। इट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, इट मीन्स इसकी जो वाइंडिंग है वो किसी भी तरह बॉडी के साथ अटैच नहीं है। तो अब जो सेकेंडरी है इसको भी हम चेक कर लेते हैं किसी एक टर्मिनल को लगा के, सेम जहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे। ये देखिए जहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट जहाँ पे नहीं शो हो रहा, ठीक है। ये तो हो गया इसका शॉर्ट सर्किट। और थर्ड एक जो वे था उसके लिए हमने यहाँ पे एक जो वाइंडिंग जो थर्ड वायर थी इसकी, ये दो वायर हैं आउटपुट की, और थर्ड वायर जो है उसको हमने बॉडी के साथ भी चेक करना होता है। इसमें जो आपकी रीडिंग है वो अबव 160 आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2K के ऊपर सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक इसको जो थर्ड वायर है इसको एक वायर के मल्टीमीटर की प्रॉप के साथ लगाता हूँ, और सेकंड को यहाँ पे लगाता हूँ बॉडी के साथ, तो यहाँ पे रीडिंग शो करेगी कुछ। ये देखिए 216 ओम शो कर रहा है। एक मिनट को अच्छी तरह दिखे, चलिए ये देखिए 218 ओम, 2 पॉइंट है आगे।